हेलो गाइस, वेलकम टू जीमडी न्यूज। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के तीन काफी कमाल के अपडेट के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला अपडेट है एवेंजर एंड गेम का कैटेगरी का। तो फाइनली एवेंजर एंड गेम कंफर्म हो चुकी है PG-13 कैटेगरी में, जो कि पिछले दो दिन पहले ही पता चला था। देन उसी के साथ पता चला है कि एवेंजर एंड गेम की VFX वर्क कंप्लीट हो चुका है, जो कि कंफर्म करा है एवेंजर एंड गेम के डायरेक्टर जू रूसो ब्रदर्स ने। उन्होंने बताया कि पिछले लास्ट नाइट को ही इसका VFX वर्क और एडिटिंग वर्क कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद थर्ड अपडेट है थोड़ा आपको इमोशन करने के लिए। तो एवेंजर एंड गेम के स्पेशल लुक में और फर्स्ट सेकंड थर्ड और बिग टीवी स्पॉट में हमने जो सीन देखे थे, जिसमें कि टोनी का क्वांटर रिम सूट वाला सीन या फिर एवरीथिंग जो भी इसमें सीन थे, वो आधे से ज़्यादा फेक सीन है, क्योंकि ये बात रूसो ब्रदर ने खुद कन्फर्म करी है, क्योंकि वो मूवी को स्पॉइल करना नहीं चाहते हैं। तो देन ये अच्छी भी बात है, क्योंकि मार्वल फैंस को सरप्राइज देखने को मिलेगा, इसलिए मार्वल की मूवी आधे से ज़्यादा सक्सेस होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि रूसो ब्रदर ने ये चीज़ पहले क्लियर कर दी। तो हम आराम से बिना स्पॉइलर के ये मूवी देख सकते हैं, चाहे कितनी भी थ्योरीज हों। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो इसको लाइक करें। रियली मैं कुछ वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो मत इस वीडियो को ना देखो, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।